दोस्तों आदिपुरुष से जुड़ी कुछ अपडेट निकल कर आ रही हैं। आदिपुरुष के डायरेक्टर ने खुद ये बात बताई है कि वो लोगों के गुस्से को देखकर काफी निराश हैं और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों प्रभास के आदिपुरुष का टीजर 2 अक्टूबर को काफी धूमधाम के बीच अनावरण किया गया था, लेकिन सबको पता इसके विजुअल इफेक्ट और रावण का खराब लुक दिखाने की वजह यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। कई लोगों ने महसूस किया कि दृश्य प्रभाव बहुत खराब थे, कुछ ने यह भी कहा कि पात्र प्रामाणिक नहीं लगते। जल्द ही यह अपडेट आ गया कि निर्माता इस प्रतिक्रिया को समायोजित करने के लिए फिल्म को मॉडिफाइड करने की योजना बना रहे थे। इन अफवाहों पर अब डायरेक्टर ओम राउत ने अपना ओपिनियन दिया। आदिपुरुष रामायण पर आधारित है और लोग रामायण से मजाक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसको ऐसे ही रिलीज कर दिया गया तो समझो बहुत बुरा बॉयकॉट होगा। राउत ने लोगों से उनकी टीम के दृष्टिकोण में विश्वास रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह अंतिम आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए नोट्स ले रहे थे। हम पर विश्वास रखें, हमारे लिए हमारे दर्शक सर्वोच्च हैं, तो सभी ऋषि मुनि हमारे बुजुर्ग जो भी हमें बातें बता रहे हैं हम उसको नोट कर रहे हैं, हम इसे लिख रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब यह फिल्म 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी तो हम किसी को निराश नहीं करेंगे। हम पर विश्वास करें, हम इसे पूरा करेंगे। तो ऐसा ओम राउत का ये बयान आया है। अब 3 महीने के अंदर इतना काम करना बहुत मुश्किल है, उनको बहुत कुछ मॉडिफाइड करना पड़ेगा। अजय देवगन की कंपनी बिल्कुल भी अच्छे VFX नहीं बनाती, इसलिए इनको दूसरे लोगों से ये काम करवाना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं।